बजाज सिटी बाइक है जिसका फुल इंजन खोला गया है, तो ये जब बांधा जाएगा तो पूरी जानकारी आपको देंगे। ये बजाज सिटी 100 CC है, इसका इंजन खोल दिया गया है, ये देख सकते हैं। ये इसका टंकी रखा गया है बजाज सिटी का, और ये सब इसके पार्ट हैं जो खोलकर रखे गए हैं। तो ये सब गियर है, ये मेरा क्रैंक है जो खरारिया के पास गया था, और यहाँ कनेक्टिंग रॉड नया असेंबल हुआ है। ये आवाज़ था बाइक में, बाइक धुआं दे रही थी और ये क्रैंक में आवाज़ था, पिस्टन डाउन हो गए, एयरिंग डाउन हो गए थे। ये नया क्रैंक का ये कनेक्टिंग रॉड नया लगा है खराद के पास जाकर, और ये हेड है, इसके वाल नया लगेंगे, और ये ग्राइंडिंग हो गया है, देखिए कितना क्लीन है। ये खराद के पास पूरा ग्राइंडिंग हो गया है, नया वाल लगेंगे, वाल में घिस गए थे। और ये मेरा सिलेंडर है, ये भी बोर होकर आ गया है, 50 नंबर बोर हुआ है। ये मोबिल डाला गया इसमें ताकि जंग नहीं लगेगा, तो ये 50 नंबर का बोर हुआ है। और ये पिस्टन है 50 नंबर का, तो ये सिलेंडर है, बोर हो गया है, ये पिस्टन, ये क्रेन कनेक्टिंग रॉड लग गया है करा दिया के पास सब जाकर, और ये मेरा हेड ग्राइंडिंग हो गया है, ये सारे पार्ट खुल कर रखे हुए हैं। जब वीडियो और इसका इंजन फुल इंजन बनेगा तो पूरी जानकारी वीडियो में बने रही है, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। और इसके वाल हैं नए वाले हैं, ये देखिए ग्राइंडिंग हो गया है, ये और हम पुराने वाले आपको दिखा दें, और ये पुराने वाले वाल हैं, देखिए पूरा वाल लगेंगे इसमें। एक चैम्बर है, ये बैरिंग है, पूरा मिट्टी के तेल से धुल दिया गया है, मिट्टी के तेल से धुलकर बैरिंगों में सब ऑयल डाल दिया गया है। और ये पिस्टन है, ₹923 लिखा है इसमें। ये इसके फुल किट आया है, पूरा फुल इंजन किट है, सिटी 100 प्लैटिना है, देख सकते हैं पूरा फुल किट है। और ये वाल स्टीम है, जो वाल की आई सील बोला जाता है इसको, वाल आई सील, तो वाल स्टीम इसे बोला जाता है। ये डैमेज चैन है, ये पूरे पार्ट को मिट्टी के तेल से धुला गया है, मिट्टी के तेल से पूरा सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे। तो ये पूरा मिट्टी के तेल से धुल लिए हैं, चमक रहा है, देख सकते हैं। तो बैठा लेंगे, वाल स्टीम है, इसमें वाल स्टीम लगा लेंगे गाइड में। ये सबसे पहले वाल स्टीम लगा लेंगे, ये वाला वाल लगा लेंगे, देखिए हम लगाएंगे वाल। ये वाल है, इसको लगा लेंगे, आयल भी होकर लगाएंगे, क्योंकि सबसे पहले वाल स्टीम लगा लेंगे, उसके बाद वाल। ये पोछला पड़ता है।
उसका मारो ना ट्रेनिंग दिलाएंगे। वॉशर लगा लेंगे नीचे, मतलब उसके बाद पतला पे 10 लगाएंगे इसमें। जो गजीन है ये वाला, गजीन वाला नीचे रहेगा। इसके बाद ये टोपी लगेगा, ऐसे लॉक लगेगा। देखिए हम कूलर लगाएंगे, दो आदमी पकड़ेंगे। लॉक बैठ गया, खोल लेंगे। सवाल बराबर कर लेंगे, लॉक को बराबर कर लेंगे। देखिए लॉक बराबर होने वाला है। सब हवा वाला नहीं कर सकते तो नहीं करेगा, सब अपन अपने को तरीका है। वैसे ही दूसरे वाल को भी लगा लेंगे जैसे उसको लगाए थे, स्प्रिंग और लॉक को, तो भी इसको लगा लेंगे। देखिए हम बैठाने वाले हैं, ये वाल लगाने वाला कूलर है, हेड को बैठाया जा रहा है। बांधा था इंग्लिश, ये वाल पे ठोक कर चेक कर लेंगे, लॉक पूरा बैठ जाना चाहिए। इसके बाद ये कैमशाफ्ट लगाएंगे, वायरिंग में मोबिल डालेंगे। उसके बाद कैमशाफ्ट को लगा लेंगे, वायरिंग में पले चेक कर लेंगे, पले नहीं रहना चाहिए। देखिए पले नहीं है। कौन नाम है मिस्त्री का? इसके बाद रॉकर चिड़िया को लगाएंगे, क्यों साफ, इसमें छर्रा रहता है इसीलिए बांधा गया है सूती कपड़ा से। देखिए हम मोबिल लगा लेंगे और ज़्यादा खींच कर मोबिल लगा लेंगे ताकि छर्रा बाहर नहीं आए, बांधा कर। थोड़ा कटा है बाहर रहेगा, कहाँ रबिया घर में कर गए। ये रॉकर चिड़िया है, इसमें छोटे छोटे रोलर रहते हैं, तो ध्यान देंगे गिरे ना और अच्छे से देख कर लगाएं। ये पिन है, ये पिन है, इसको इतना अंदर कर देंगे, किसी से इसको ठोक देंगे अगर ना जाए तो चला जाएगा अपनी जगह पर। और ये यहाँ पे पिन लगेगा। दूसरा रॉकर चिड़िया है, इसमें आधा आधा बैरिंग को निकाल कर उसके मोबिल लगा लेंगे ताकि रोलर गिरे ना, ध्यान रखें। अब इधर रॉकर चिड़िया को लगा देंगे इधर से, और उधर से पिन लगा देंगे। ऐसे ही पिनों को ठेल कर अंदर लगा दें। पत्ती को लगा देंगे तो गिल्ला किए रहता है दोनों को, कैमशाफ्ट को भी और दोनों पिनों को गिल्ला किए रहता है। इसके स्क्रू को है, दो स्क्रू है, टाइट कर लेंगे। तो मेरा हेड फाइनल हो गया है, अब इसे बगल में रखते हैं, फाइनल हो गया है।
इसके गैस को चेक कर लेंगे। इसके पिन है, इसके गैपों को चेक कर लेंगे डालकर। ये दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड के चौड़ाई में होना चाहिए। इसके रिंगों को लगा लेंगे तब जाएगा। ये मेरा पिस्टन है और इसमें रिंग को डाल दिए, बैठ गया। इसके गैपों को देख लेंगे कहाँ कहाँ पर है। आयल सपेंडर का हमारा यहाँ गैप रहेगा जो स्प्रिंग टाइप है, और उसके जो रिंग है एक यहाँ और एक यहाँ गैप, और टॉप वन टॉप टू का यहाँ रहेगा, टॉप वन का इस साइड रहेगा। ऐसे डालेंगे बेरिंगों को बैठा लिए हैं। पिस्टन में एक तरफ लॉक लगा दिए हैं। ये सिलेंडर है जो 25 नंबर बोर होकर आया है। दो बूस लगा लेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला बूस है और एक यहाँ छोटा वाला बूस। गियर का वीडियो हम बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इसके पिनों को लगा देंगे, छोटा वाला है बड़ा वाला है। उसके पिनों को लगा देंगे। आयल लगा देंगे इसमें। गियर को नचा कर देख लेंगे गियर लग रहा है कि नहीं। गियर को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे। चेकर को सो इंजन बाद है तो अरे इसमें मोबिल लगा देंगे। स्क्रीन को बैठाना है। क्रैंक को बैठा देंगे, मैग्नेट साइड नीचे रहेगा और इसमें मोबिल डाल देंगे। इस रास्ते पूरा बैरिंग में चला जाता है, इसके रोलर के जो होते हैं इसमें इसके बैरिंग में भी मोबिल डालेंगे और इसमें भी मोबिल डालेंगे। ये रोलर है इसमें चला जाता है। देखिए बैठ गया पूरा। क्लच साइड है, मैग्नेट साइड नीचे रखेंगे। बैंड लगा लेंगे, एना बैंड। एना बैंड है, ये रबर की तरह पैकिंग बन जाता है। चैम्बर को लगा देंगे।
पलट लेंगे और इधर से बोल्ट इसके टाइट कर देंगे पूरा। बड़ा बोल्ट है यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ बड़ा बोल्ट, एक यहाँ बड़ा बोल्ट और एक यहाँ बड़ा बोल्ट, इसे पूरा सेम साइज है लगा लेंगे। पूरे बोल्ट को टाइट कर लेंगे, पूरे 10 बोल्ट हैं, 200 बोल्ट को टाइट कर लेंगे इस साइड। आठ नंबर के बोल्ट थे इधर, 10 थे, 3 बड़े बड़े थे, 200 बोल्ट को 8 नंबर की रिंग से पूरा टाइट कर लेंगे। उसके बाद इस साइड चले आते हैं, यहाँ ठीक है, इसमें वाशर पहले लगा लेंगे पतला। ठीक है, ठीक के नीचे सबसे एक वाशर है पतला सा, उसके बाद स्प्रिंग को लगा लेंगे। नचा कर देख लेंगे, फिर ही नाचना चाहिए, कट कट की आवाज़ ना आए। छर्रा लगा लेंगे, स्टार लगा देंगे। ये 5 छर्रा और 1 स्टार है, इसको देख लेंगे कैसे लगाया। इसके बाद एक पत्ती, इसके बाद इसके 10 नंबर बोल्ट, 5 नंबर एल एन की बोल्ट है, 5 नंबर एल एन की बोल्ट टाइट कर लेंगे। जब भी इंजन बांधे तो पूरे वायरिंग को चेक कर लें, थोड़ा सा भी प्ले नहीं रहना चाहिए, हल्की सी भी नहीं, पूरा बढ़िया वायरिंग होना चाहिए। और पूरे आई सील को चेंज कर दें और ओरिंग को भी पूरे चेंज कर दें जब भी इंजन बांधे, और वायरिंग देख लें, प्ले रहे तभी चेंज करें, प्ले ना रहे तो ठीक है चल सकता है। 5 नंबर वायरिंग के बोल्ट है, पूरा फुल टाइट कर लेंगे। इसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है, बढ़िया से लगा देंगे तो हो जाएगा। और गियर शाफ्ट को लगाएंगे, इसमें आना चाहिए इस बीच में। उगन बतिया कहते नहीं, ओकर समझ में नहीं आता। उसके बाद ये प्राइमरी गियर है छोटा वाला, इसको लगाएंगे, फिर इसकी चाबी को लगाएंगे, इसके लॉक को लगा लेंगे। यही लॉक है, ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद ये वाला गाड़ी गियर छोटा वाला, मोबिल जाली है, इसको लगा लेंगे। लॉक को, लॉक में सब बैठ जाना चाहिए। और ये रोलर है नीचे वाला, टाइट हो रहा है तो कर देंगे। तो
14 नंबर नट टाइट कर लेंगे, 14 नंबर है जिसमें वाशर है एल्युमिनियम का। फिर इसमें वाशर बस हाउसिंग परफेक्ट बैठ गया। इसके बाद वाशर, ये थोड़ा मोटा है। थोड़ा स्लेट डालेंगे, थोड़ा स्लेट है। हेलो, जो लिखा हुआ है वो नीचे रहेगा, कुछ लिखा है वो नीचे रहेगा। और ये प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट में जो कोर है ये ऊपर रहेगा, मुलायम है नीचे रहेगा। उसमें पहले क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, ऐसे ऐसे लगाएंगे। चार प्रेशर प्लेट है, 5 क्लच प्लेट है। क्लच सेंटर को ऊपर से लगा देंगे। हाउसिंग को देख लें, इसमें ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, हल्का है, चल सकता है। अब क्लच प्लेटों को बैठा देंगे। सारे आइए ना, ये है उनको मांग ले पैसा पकड़ ले रहा हूँ को। हाँ तो जल्दी कर दे, मैं जल्दी भेज दो हम के हमें करते हैं। चार क्लच प्लेट इसमें रहेगा और एक साइड में, 5 क्लच प्लेट, 4 प्रेशर प्लेट, बोल्ट की सहायता से बैठा देंगे। उसके बाद बोल्ट को निकाल देंगे। उसके बाद ये 19 नंबर नट है, उसको लगा देंगे। इसमें वाशर नहीं लगेगा क्योंकि 19 नंबर का जो नट है वाशर टाइप है। क्लच होल्डर लगा देंगे और 19 नंबर की गोटी स्टार्ट कर देंगे। 19 नंबर का नट पूरा टाइट हो गया। उसके बाद 6 स्प्रिंग है, स्प्रिंगों को लगा लेंगे। आवाज नहीं जाए तो बताते हैं। नट टाइट हो गया 19 नंबर, 6 स्प्रिंग है, इसको लगा लेंगे। अब मदनपुर से, उसके बाद इसके जितने बोल्ट हैं 6 बोल्ट हैं उसको लगा लेंगे। और ऊपर का प्लेट पेचकस लगा लेंगे, पूरे टाइट रखेगा। 8 नंबर टीरिंग से टाइट कर लेंगे, 8 नंबर टीरिंग से 8 को टाइट कर लेंगे और बराबर स्पीरिंग कर लेंगे। लगल सारे पूरा फुल टाइट हो गया 8 नंबर। इसके लॉक को लगा लेंगे, छोटा लॉक कर देंगे। ये रोटर को लगा दें, बैलेंसर को लगा दें, फिर ये वाशर, इधर वाशर लगेगा, एक वाशर है। उसके 19 नंबर कट नट की गोटी उसके बाद 19 नंबर का कट गोटी है, टाइट कर लेंगे। पूरा फुल टाइट हो गया। ये 19 नंबर का कट नट है, इसके पीछे वाशर है। इसके बाद इसके प्लेट को लगा देंगे ऊपर की, इसमें देखेंगे, पैकिंग भी ध्यान देंगे, पैकिंग भी रहेगा। इसमें 3 स्क्रू है, टाइट कर लेंगे। ये स्क्रू है, टाइट कर लेंगे। ऑयल पंप गरारी है जो मोबिल को हेड तक पहुंचाता है, पूरे रनिंग करता है। पूरा फुल टाइट हो गया तीनों। पैकिंग लगा लेंगे और चैम्बर को बैठा देंगे। ये चैम्बर है, और
ठेसी लगा लेंगे, यह कलर ठेसी है, इसको लगा लेंगे चेंबर में। ये पैकिंग लगा लेंगे, ये बूथ लगा लेंगे, एक यहाँ पे लगेगा और एक चेंबर में अभी निकला नहीं है। ये बैरिंग लगा लेंगे, बैठा तो यहाँ पे लगा देंगे, बैरिंग लगा देंगे और चेंबर को बैठा देंगे। एक यहाँ पे बूस रहेगा, वो चेंबर में है और चेंबर को लगा देंगे। चेंबर बैठ गया, अभी इसमें बोल्ट है, 10 बोल्ट हैं, टाइट कर देंगे। उससे पहले पूछ करके देख लेंगे, इसको आगे पुश करके देख लेंगे। चेंबर बाहर फेंके समझिए ठेसी काम कर रहा है, देखिए अभी फेंकेगा, देखिए फेंक रहा है, उठ रहा है, चेक कर लेंगे। अगर ठेसी काम कर रहा है समझिए, उसके बाद ये बोल्ट हैं, बोल्टों को टाइट कर देंगे। 10 बोल्ट हैं इसमें, 8 नंबर का। चलिए आपको टाइट करके पूरा दिखा रहा है, पूरा फुल टाइट हो गया, पूरा बोल्ट पूरा साफ रखेंगे। बैकिंग का जगह क्लीन नहीं रहेगा तो लीक कर सकता है इसका। और ये बोरिंग लगा लेंगे, आईसी ले, और इसका बूस लगा लेंगे, और अंदर भी एक बोरिंग लगता है, ये पूरा पैनल कर लेंगे। इस पॉकेट है, पैकिंग लगा लेंगे, अरे बूस रहेगा साइड साइड में, बूस। ये इस पॉकेट में एक अंदर छोटा सा ओरिंग है, ओरिंग के बाद ये बूस लगा है, ऊपर से ध्यान देंगे, ओरिंग लगा है तो उसके बाद ये बूस लगा है। इस पॉकेट में पहले ये ओरिंग लगा लेंगे, देखिए ऐसे है, इसके बाद ये बूस लगा लेंगे और कुछ स्टोक देंगे, पास ही रहता है, पेट्रोल से धुल लेंगे। सेफ तो नहीं कर पाते, पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा लोन है, उसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, ठीक है सर, फोन कर दीजिएगा तो ही रहेंगे, हम आ जाएंगे। ऑयल डाल लेंगे इसमें, रतिया है, हाँ इसमें भी ऑयल डाल लेंगे, रिंग में भी। और भाई पहले लगा दिया गया था, बड़ा बोलबो करे ला, अभी इधर लगा लेंगे। का करता है वो, पूछ नहीं वैसे टिटवा कैसे चरत जा रतिया, ओकर हरा नीला कलर कर वाला सफेद रहल वाइट है, लेकिन नीला अरे जो नहीं वो स्टिकरवा पत्र साइड है, और ये साइलेंसर साइड है, मतलब कि ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला कुछ हम चला सके लो, अंगना झंगना बालू है ते लोन लगा को बैठा देंगे, कपड़ा लगा लेंगे, लाख अंदर नहीं गिरेगा, इधर स्टॉक लेंगे। ए मारे कौन मिला छी, तने एक कलर बक्स इथिया लाके, जने इथिया लो चुगेला बिरकानवा, लाख लग गया दोनों तरफ, उतना लग गया 600 कार्बोरेटर साइड, ये साइलेंसर साइड, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, कोई देखो तो जानत रहा, देख भी सकते हैं ये एक्स लिखा है, सोसा के वा ट्रैक्टर बना ला के कौन नाम बताना है, वो लागे वो ऊपर दुकाना है ना, इसमें ऑयल डाल लेंगे सिलेंडर में, उसी के ऊपर जानवी से बनात रहा है, हां किया ना हो, ऑयल डालेंगे पूरा स्मूथ चलेगा, कोई का कोई दियो फंसेगा नहीं, जरूरी भी बताइए घर में फोन देख के डालो, ये दोनों बोल्ट की सहायता से इसको लगा रहे हैं।
एक और रहो और 50 बार तेल ले ले जाओ, 50 बार तेल यहाँ दिखाओ, ये बगल दिखाओ, ये बगल तुम हे बगल को तीन तुम वहाँ पे करो पंच पाँच लो 50 बार तेल ले ले जाओ यार कोई जाओ ये करेंगे बाबा पैसा तो मैं मैग्नेट लगा कर अप डाउन करा लेंगे सही बहु आवाज एक नंबर दे मैग्नेट लगा कर अप डाउन करा लेंगे ताकि स्क्रेच देख लेंगे स्क्रेच तो नहीं हो रहा है ना इसके दो बोल्ट खोल लेंगे ऐसा सर बात तू कह लो अभी अलग किया ना कार्बेटर साइड है बड़ा वाल और ये साइलेंसर साइड है छोटा वाल एग्जास्ट है टाइमिंग चेन गाइड है इसको लगा लेंगे ये गाइड है यहाँ पे आके फंस रही है इसमें बोल्ट लगेगा टेंशनल को एडजस्ट कर लेंगे ढाई साल साल दूसरा भी लगा लेंगे टाइमी चेन गाइड ढाई साल कर दो और ये यहाँ पे टाइट होगा ढाई साल पे पूरा कोई ढाई साल का भारतीय 36 कर देता है चौबीस या छः स्क्रू है लगा लेंगे 24-36 हो रहा है दोनों तरफ पोत लेंगे ये दोनों स्क्रू टाइट हो गया दो बूस लगेगा एक यहाँ और एक यहाँ नौका हो और दोनों तरफ गैस किट बांध पोत लेंगे हाँ निकालने वाला कोशिश नहीं कर रहा यहाँ पे दो लगा लेंगे ये पिस्टन बराबर पा रहा है थोड़ा ऊंच भी हो रहा है ना इसलिए दो पैकिंग लगाएंगे ताकि हेड थोड़ा ऊपर हो जाए पहले से 9% के हिसाब से ये पिस्टन अगर ऊंच हो रहा है तो दो पैकिंग लगा देंगे 12 बजे पहुँचान गैस किट बॉन्ड को ये गैस किट बॉन्ड है इसे ही लगा लेंगे लगाओ हमारे बिरादर में लगे उसके बाद हेड को लगा देंगे ये साइलेंसर साइड है वो कार्बोरेटर साइड है घिर जाओ 10 नंबर टाइट कर लेंगे कहाँ सटा लगता है इसमें ये बूस लगेगा वो तीन महीना का है वही क्या करिएगा हाँ उसके बाद ये चारों बोल्ट लगा लेंगे इसमें पीतल का वाशर रहेगा आश्वासन तो दिया सी है आश्वासन तो दिया सी है कहा तो भाई 8 दिन ये पीतल का वाशर है ये चार बोल्ट 12 नंबर है और ये पीतल का वाशर है चारों में है ध्यान देंगे मास्टर आयल में है तो 12 नंबर से टाइट कर लेंगे पूरा फुल टाइट बराबर बराबर से करेंगे ना चेक पूरा फुल टाइट हो गया ये चारों
और ये भी 10 नंबर, ये दोनों और ये चारों फुल टाइट है। आज आज ना गिले हो आज माला पहले पैसा ला 20-20 करोल ना होगा। अरे भैया मालवा सब निकाल दो, पैसा निकाल के तोड़ना नीचे फंसा लेंगे क्रैंक में। टाइमिंग चाहिए उसके बाद ये पत्ती लगा लेंगे, स्टॉपर पत्ती है। कपड़ा लगा लेंगे ताकि जो बोल्ट गिरे उसमें नहीं जाए। हाँ जी कर पकड़ लें दोनों स्टॉप टाइट कर लें। अभी ना कि ना 6 महीने बाद, 6 महीने बाद अभी ना कि तरवा सर ये नक्की जाएगा। हम चैन आई पहले वाला नमकीन आई हो लाल मोह लाल मोह चलो तो खाते नहीं फिर बस दे हाँ भाई हल्लो तो हम सुकला तेल वाले ले ले 50 रुपया। हाँ कॉल पलेट और निकाल ले वो दिले पोस्ट के देखो आइए पुलवा कर रहे हेलो खाते किलो पनी है ला हाँ जा अजान करे तो 20,000 पर लड़ी मिला था वह 10,000 ले आई टाइप से करके 12 नंबर है टाइप करके 20-30 किलो लिए बनवा तो मिला 6 लाख चप्पल सब लेके खिलाए। मैग्नेट में देखिए ये टी है तो ये यहाँ पे रहेगा। मनौरा कहाँ बा मैग्नेट का ये निकला टी और ये टी और एक साइड में चीना इसको इस साइड में कर देंगे और इस पॉकेट में टी जो ऊपर है ये समझिए टॉप पे ये टी ऊपर रहेगा वहाँ पे चीना तो टॉप पे कर बारह नंबर है टाइट कर लेंगे पूरा फुल टाइट ऐसे पेचकस लगा कर फुल टाइट कर लेंगे सही है आराम से कसी है। हो गया पूरा फुल टाइट हो गया अब ये टाइट कर लेंगे टेंशनर को और टाइमिंग चैन टाइट हो जाएगा। कहाँ से छुआ था गिरीश कहाँ से टाप पे करके ये टाइप इट सेट कर लो। अपने 400 पोल लो तो नहीं बत जाओ तो देखिए ये टाप पे है ये चीना और ये बिंदी मिला है खुला लो तू तो खा ले और ये टी ऊपर है अब ये टाइप इट सेट कर लेंगे। ये मैग्नेट को निकाल देंगे अब टेंशनर को टाइट करके उसके नट है 10 नंबर का टाइट कर लेंगे। मैग्नेट को निकाल देंगे हो गया टॉप पे है टेंशनर है टाइट कर लेंगे टाइप इट सेट करने वाला है 8 का स्पिनर है 8-9 का सर से नहीं हां जा देख ले वीडियो को बना था का हां तुरंत जाती है गाड़ी यार देखो को नहीं तो इधर ये साइलेंसर साइड है वो कैरेक्टर साइड हुआ है नहीं तो इधर ही गई है चलो भाई बढ़िया अरे बढ़िया चला गया गाड़ी यार टेंशन ना ले। ये कार्बेटर साइड है ये थोड़ा जाम जाम साइड पे ले होना चाहिए और इस साइलेंसर साइड है तो थोड़ा बस अप डाउन होना चाहिए मतलब थोड़ा ढीला हो साइलेंसर साइड थोड़ा लूज और ये कार्बेटर साइड थोड़ा टाइट ये टाइट टाइट साइड पे ले हो और ये
लूज लूज साइड वाले थोड़ा लूज साइलेंसर साइड में ओरिंग लगा लेंगे और गैस्केट बैंड लगा लेंगे। ये ओरिंग इसमें काला ओरिंग रहता है, ध्यान देंगे, देख सकते हैं कैप है, इसमें ओरिंग है, ये रहना चाहिए, इसको लगा देंगे। 8 नंबर का है, 2 बोल्ट है, टाइट कर देंगे। ये पैकिंग भी लगा लेंगे। उसके बाद मैग्नेट जो लाइटिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल, लाइटिंग कॉइल ये लगा देंगे। ये लाइटिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल है, ध्यान देंगे, ये स्टार्ट करता है और लाइट जलाता है। इसके एलन की बोल्ट है जो 6 नंबर है, टाइट कर लेंगे। 3 है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, टाइट कर लेंगे। इसमें वाशर भी है, ध्यान देंगे। ये वाशर है, इसको 5 नंबर एलन की है, 5 नंबर टाइट कर लेंगे। 3 वोल्ट है, 1, 2 और एक यहाँ 3। ये टाइट कर लेंगे 5 नंबर एलन की से, पूरा फुल टाइट। और इंजन में जितने भी आई सील है सब चेंज कर देंगे, जितने ओरिंग है सब चेंज कर देंगे, नया डाल देंगे। हाँ, ये लॉक लगा देंगे। पल्टीना लिया यार, मैग्नेट को लगा। गाड़ी बहुत बढ़िया, इस शहर में बहुत बढ़िया है। ये वाशर लगा लेंगे, ये वो पता है वाशर है, साल भर के बट चलो कवर है हमारे वाला वाशर। अब चक्का इसे उल्टा है, यहाँ नीचे वाशर है और ये 14 नंबर का नट है, टाइट कर लेंगे। 14 नंबर है, टाइट कर लेंगे। फुल टाइट हो गया, पूरा इसके नीचे वाशर है और 14 नंबर का नट है, पूरा फुल टाइट हो गया। ये बात ये बूट है, 30,000 यहाँ बूस है, पैकिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद ये पैकिंग लगा लेंगे, मैग्नेट पैकिंग, पैकिंग है मैग्नेट पैकिंग, मैग्नेट कवर को लगा लेंगे। बताई 8 नंबर 74,000 बात 110 cc पल्टी ना के तो वो ले लीजिए ना, कट कोट नहीं नट कोट है, बोल्ट है जो 8 नंबर टाइट कर लेंगे। तो थोड़े हाई व्यू गाड़ी का है, 8 नंबर टी रिंच मतलब का ओकरा रहा, इसका ओरिंग चेंज कर देंगे, 110 कैप को लगा देंगे, वो तो सही लगा 110 वाली, इसके ओरिंग चेंज कर लेंगे और गैस्केट बैंड खोद लेंगे, काला ओरिंग है चेंज कर लेंगे। क्या कपड़ा पहने जाते नहीं, पहन क्या होते नहीं, अरे तो लाइटवा बनाओ। ये वाला पाइप लगा देंगे,
जो मोबिल को हेड तक पहुंचाता है इसी रास्ते। इसके इसके नीचे ऊपर दोनों आसर है। हेलो, यहाँ भी वासर है नीचे और ऊपर भी वासर है, लेकिन पीतल का वासर है और ये बोल्ट को टाइट कर लेंगे 10 नंबर है। को फाइनेंस वाला ताना को इसमें कम कम भी होगा फाइनेंस वाला भी है यहाँ को। अरे पहले 8 दिन के अंदर कर देना तो हर का हाली बात का करता हूँ। पीतल का वासर है नीचे भी और ऊपर भी, कौन सा टाइट कर लेंगे। मोबिल को हेड तक पहुंचाता है, इसे साफ कर लेंगे पूरा। पल्टीना का इंजन है, पल्टीना वाला है, उसका मोबाइल डाल के गाड़ी थोड़ा सा छोटा चूड़ी प्लग है, ओरिजिनल चैंपियन कंपनी। नहीं मत हीरो गाड़ी नहीं कोने लगी बाहर ये तो लगी हां ओकर इंजन नहीं चला, प्लग टाइट हो गया। चैंपियन ऑयल डाल लेंगे मोबिल सॉल्यूशन कर लेंगे मोबिल डाल लेंगे ऑयल को डाल लेंगे 1 लीटर ऑयल डालाता है पूरा 1 लीटर फाइनल हो गया डला गया। इसके कैप को बंद कर देंगे, इसके कैप को बंद कर देंगे। इसमें ओरिंग है ब्लैक कलर का देख लेंगे, वो गिरे ना नहीं तो लीक करने लगेगा। पूरा इंजन फाइनल हो गया, अब फाउंडेशन करेंगे, अब इंजन में इसे असेंबल करेंगे। फाइनल हो गया, यानी चलिए पूरा फाइनल हो गया है, अब फाउंडेशन कर देंगे। वो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, टाइम नहीं है, सब फाइनल हो गया। तो तब तक के लिए बाय। और इंजन को चालू करके यहाँ पे इसको बोल्ट को खोल कर मोबिल चेक कर लेंगे। ये जो पाइप के रास्ते है यहाँ से देखेंगे हेड तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे खोल कर। तो फाइनल हो गया, वीडियो को स्टॉप करते हैं, बाय।